व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। टुडे इज संडे सो आई केम टू वावर, सो आई कैन दिखाता हूँ आपको वावर। सो वावर दिखाने के पहले हम आपको दिखा दे थोड़ा सा झरना। यहाँ पर है थोड़ा सा झरना, रुको अभी थोड़ा सा टाइम आने को, दिखाते हैं आपको। दिस इज झरना यानी नाला, हम इसको नाला कहते हैं प्यार से। और ये अभी बहेंगे, मतलब भर के अभी बह रहा है, उतना नहीं बह रहा है लेकिन बहुत सारा पानी है। और दिखाते जो बड़े बड़े डोबरे होते हैं ना, तालाब बोलते हैं उसको, वो दिखाते हैं हम। चलो, दिस इज छोटा डोबरा यानी छोटा तालाब। छोटा है लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं है कि थोड़ा सा ही पानी होगा, बहुत सारा पानी है। एक इंसान इसमें लगभग डूब जाता है, इतना बड़ा है ये। तो चलो और बड़ा वाला आपको तालाब दिखाते। सो लेट्स गो, हम ट्राई करेंगे इंग्लिश में बात करने की, क्योंकि भाई इंग्लिश हमारी ज़बरदस्त है, खतरनाक है। तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ट्राई करें। ये देखो भाई, खेत से पानी बह रहा है, और ये देखो ऐसे रोड में से फिर जा रहा है यहाँ पर, तो गाड़ी बड़े तालाब में। तो चलो दिखाते हैं बड़ा वाला। ये है बड़ा वाला तालाब, दिस तालाब इज वेरी बिग। दो तीन मास डूब जाते, इतना बड़ा तालाब है, वेरी वेरी बिग तालाब। ये देखो फिलहाल तो हमारा खेत अभी पास में है, पैदल जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं जाती, रोड से ही पानी बहता, गाड़ी क्या बहेगी भाई। तो चलो जाते खेत में। ये देखो यहाँ पे है रोड, रोड से जा रहा है बह रहा है पानी। ये देखो यहाँ से पानी बह रहा है, और यहाँ से भी हमें जाना पड़ता है ऐसे। ये देखो ऐसे जाना पड़ता है पानी में से। तो चलो जाते खेत में। तो दोस्तों पहले खेत में हम आ चुके, दिस इज माई फर्स्ट खेत, और ये इस खेत की पराठी अंडर वाटर। सो अब चलते दूसरे खेत में, यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है हमें ऐसे करके। सो संभल के जाना पड़ता है, यहाँ पर काटे वाटे देखने पड़ते। और ये देखो यहाँ पे छोटू सा नाला। सो अभी जा रहे हम दूसरे खेत में, चल दूसरा खेत दिखा दिया। ये है दूसरा खेत, दिस वॉर इज अंडर वाटर। ओ माय गॉड, वाटर ही वाटर हर जगह, अब दिखे सिर्फ वाटर ही वाटर। तो चलते तीसरे खेत, तीसरा खेत मतलब एक ही खेत है, इसी रोड की वजह से, ये ऐसा रोड की वजह से अलग अलग हुआ है। इसमें तो पूरा पानी है भर के, लेकिन अंदर नहीं जाते, वे बहुत फंसते हैं इसमें, तो बगीचे में जाकर दिखाएंगे आप। चलो फिलहाल तो दोस्तों आ गए अभी खोपड़ी पर, दिस इज हमारी खोपड़ी। वो देखो वो खोपड़ी तक जाने के लिए भी भाई बहुत मुश्किलों से जाना पड़ता है हमें, दगड़ देखने पड़ते हैं, नाला देखना पड़ता है, फिर हम जा सकते हैं खोपड़ी पर। ये है पाँव धोने के लिए नाला, जो कि हमने स्पेशल बनाया ताकि खोपड़ी में जा सके तो पाँव धुल के जा सके हम, इसलिए पहले पाँव धुल लेते हैं ऐसे। ये देखो ऐसे धुलने पड़ते हैं यहाँ पर पाँव, और फिर जाना पड़ता है। लेट्स गो, पहले गाय को चारा वारा डाल लेते फिर जाएंगे हम दूसरे खेत में आपको दिखाने के लिए। चलो सो दोस्तों यहाँ का तो पूरा काम हो चुका है, तो अब जाते बगीचे में आपको दिखाते कैसा है खेत पानी आने के बाद। तो चप्पल तो यहाँ पे ही निकालना पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि चप्पल तो नहीं चलेगी। ऐसे ही यहाँ पे बहुत फंसता है, ये देखो पानी पानी है जगह जगह पे। ये हमारा थोड़ा सा साइडवेज रास्ता है, इसी से हम जाते। तो चलो दिखा दे आपको खेत का टूर करा दे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ गए हम खेत में, एक हफ्ता हो गया होगा शायद। 15 अगस्त को आए थे खेत में, लेकिन वो रोड का खेत था, इस खेत में नहीं आए थे, तो इसलिए बहुत टाइम हो गया। ये मक्का है हमारा, ये देखो पीला पड़ गया पूरा पानी की वजह से, क्योंकि इसके नीचे पूरा पानी है। ये देखो पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, पूरा पानी पानी है इसके नीचे, इसलिए तो ये पूरा पीला पड़ गया। और ये हमारा ये एंट्री गेट, और ये हम जा रहे हैं दूसरे खेत में, ये बगीचे के खेत में आ गए। तो चलो दिखाते हैं यहाँ की पराठी, भाई बच गया अभी, गिरने वाला था। तो चलो दिखाते हैं यहाँ की पराठी, दिस इज हमारा बगीचे का खेत। ऐसे पानी के ऊपर चलना पड़ता है यहाँ पर हमें,
ये देखो पानी पानी, नुस्ता पानी, खतरनाक रहा है इस खेत का। सो अभी हम आ चुके पराठी के पास। ये है हमारी पराठी, देखो हमने फवारा मारा था इसको, अभी थोड़ी थोड़ी तो हिरी हुई हो चुकी है, मतलब असर हो रहा है फवारे का। ये हमारा कुआ है, दिस इज कुआ, कुआ इज फुल ऑफ वाटर। ओहो, पूरा वाटर से भर गया कुआ। खतरनाक। और ये है ये हाकी पराठी, थोड़ी स्लो ग्रोथ हो रही है पराठी की, लेकिन ठीक है, अच्छी है पराठी। और यहाँ पर तन्नाशक का फवारा मारना पड़ेगा, पापा को ही मारना पड़ेगा, हम तो नहीं है अभी, क्योंकि कल से जाना पड़ेगा ड्यूटी पर। कल पता नहीं यार, कल नागपंचमी में छुट्टी है क्या, तो अगर छुट्टी होती तो हम आ जाएंगे खेत में, अगर नहीं होती तो जाना पड़ेगा फिर ड्यूटी पर। ये देखो ये है पराठी, कैसी पराठी आप कमेंट में ज़रूर बताना। दिस इज पराठी, बगीचे के और की पराठी। ओहो, यहाँ पर एक भी बार निंदा नहीं हुआ भाई, सिर्फ फवारे पे काम चल रहा है यहाँ पर। और ऐसी है पराठी, और वखर भी नहीं चला यहाँ पर, फिर भी ऐसी है। हम निंदने का मतलब कम निंदने का ट्राई कर रहे, नुस्ता फवारा पर काम जमा रहे। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी फवारे से कैसे चिम गया, बहुत पूरा पीला पड़ गया। सो गाइस, पराठी देखना तो पूरा हो चुका है, अगर यहाँ से आगे जाएंगे तो टोंगरों पर फंसेगा हम नीचे ज़मीन में, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते ताकि आपको एहसास हो सके, मतलब सच्चाई पता चल सके कि हाँ भाई टोंगरों पर सच में फंसता है यहाँ पर। तो चलो ये देखो यहाँ की पराठी, और ये देखो पाए फंसना चालू हो गए यहाँ पर, अभी बहुत फंसता है भाई यहाँ पर, खतरनाक खेत है ये। ये देखो यहाँ की पराठी, थोड़ी सी खाड़ने वगैरह है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें भाई, वो बियानी का ही फॉल्ट है। और जब खाने हुआ तब हमने लगाने को टाइम ही नहीं था, आपको तो बताया था हमने, क्योंकि भाई जब एक हफ्ता लगा पराठी को पूरा लगाने को, और उसके बाद फिर जब पराठी लगाना ख़त्म हो गया उसके बाद फवारा स्टार्ट हो गया, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिला खाने लगाने को। कोई बात नहीं, जितनी पराठी उतना अच्छा करेंगे इस पराठी को। ये देखो ऐसी है अभी, है तो फिलहाल हेल्दी पराठी। और यहाँ पर है तूर हमारी, ये है तूर, देख लो आप, और यहाँ पर फंसना चालू हो गया अभी। ओ माय गॉड, जल्दी से निकल दे अब यहाँ से। चलो दोस्तों, ये जो ही दिख रही है वो पूरी रिकामी जगह है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से पूरा पानी बहता है इसलिए। तो जल्दी यहाँ पर भी लगाने का ट्राई करेंगे पानी जाने के बाद। और हाँ भाई, हमें तो इंग्लिश में बोलना था व्लॉग में, ओके, सो स्टार्ट करते इंग्लिश में बोलना। सो लेट्स गो फ्रॉम दूसरे खेत को, वहाँ पर भी दिखा दे आपको पराठी। चलो दोस्तों, अभी लगभग तो आ ही चुके हम गाड़ी के पास जाने के लिए। अगर आपके इस रोड से मतलब पैर भरते, अगर पैर धुने, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है, मतलब उसकी भी व्यवस्था है, यहाँ पर आकर आप नाले में पाए धो सकते हो अच्छे से वो भी। ये देखो हम उतर गए अभी नाले में, हाँ, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, सिर्फ आपको आना है खेत में, बाहर ही नहीं बनाने, पैर भरेंगे ये होगा वो होगा। तो चलो अब निकलते जाते दूसरे खेत में, वहाँ का हालत देखते क्या हो चुका है। तो चलो, तो दोस्तों फिलहाल तो रोड के खेत में आ चुके, और एंट्री होने से पहले हमें ऐसे पाए धोने पड़ते। हमारे कोई भी खेत में जाओ, सबसे पहले तो पाए धोने के लिए सुविधा मतलब क्या बोल दी उसको, हाँ सुविधा अवेलेबल करके रखिए, पहले पाए धो फिर जाओ खेत में। और इस खेत की पराठी ऐसी है, यहाँ पर माटी लग चुकी है। ये देखो पराठी, ये थोड़ी अच्छी है पराठी, कोई बात नहीं, यहाँ पर उतना पानी नहीं रुकता है इसलिए थोड़ी सी अच्छी है पराठी यहाँ की। तो दोस्तों ये थी हमारी इस खेत की पराठी, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा पानी रुका हुआ है,
पर इसको इस पर कोई उपाय नहीं है इस पानी को निकालने के लिए, क्योंकि दांड भी लगे हुए यहाँ पर जगह ऊपर है और वहाँ पर भी ऊपर है, तो इसलिए वहाँ पर रुकी गई पानी। तो ऐसा है हमारा ये वाला भी खेत, सब खेत को तो आपको दिखा दिए, पूरे खेत नहीं दिखाए और भी वहाँ पर भी है, लेकिन पूरा फंसता है खेत में तो इसलिए जा नहीं सकते। तो फिलहाल तो अब चलते घर भाई, और इस व्लॉग को यही एंड कर देते हैं। आज का व्लॉग भाई थोड़ा सा अलग ही बना होगा, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए हमने व्लॉग नहीं बनाया, और बीच बीच में भी एक दो ब्लॉग ही हमने डाले, तो थोड़ा सा ब्लॉग बनाना भूल गए। डेली व्लॉग होते थे तो वो तो कंसिस्टेंट होते थे, तो प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा भूलने जैसा हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगी, जब जब हमें टाइम मिलेगा तब तब ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो अभी तो निकलते घर के लिए, तो फिलहाल तो इस व्लॉग को ही एंड कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय। हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इज संडे, सो आई केम फ्रॉम होम टू आवर एंड द वाटर इज बहिंग